राम राम भाई सबने, गुड मॉर्निंग। और आज है कितनी तारीख, आज पता नहीं, आज है बताया, आज है 28 और ये फरवरी का आखिरी दिन है। 29 तारीख है आज। और हम उठ चुके हैं सुबह, अपना फ्रेश वगैरह हो चुके हैं। पकड़िए रे बा, और तेरी का ट्राइपॉड चाहिए था नहीं गला। तो अभी हम लोग अपना जा रहे हैं, थोड़ा सा घूमेंगे इधर उधर और उसके बाद निकल जाएंगे, क्योंकि 3:30 बजे हमें कहीं पहुंचना है दिल्ली में। सो इट विल बी अ टफ डे ऑफ ड्राइविंग, बेल के रखूँगा। तो चलो अभी जाएंगे, रास्ते में दिखाते कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस हम अभी आए हैं जल महल और यहाँ पे थोड़ा फोटो सेशन और रील्स वगैरह बना रहे हैं। और ये दोनों भाई अपना लगे हुए हैं आराम से फ़ोटोज़ खींचने में। मैंने एक दो रील बनवाई है, वो मेरे इंस्टा पेज पे दिख जाएगी, ख्याल दीप की किसी शायरी में आपको दिख जाएगी। ये इनकी हो गई शुरू। ये देखो एक चप्पल में खड़ा है वो, अब वो आएगा भी नहीं, बताया वो आएगा भी नहीं, चप्पल उसको चाहिए लेकिन वो आएगा नहीं। लोग चप्पल आ रही है। आजा आजा, गया भी लोग लिया। अरे क्यों दुखी कर रहा है ना तू, तड़की तड़की आजा भी लोग बंद हो गया। आजा आजा आजा, चला इतनी दूर से 10 कदम ना तेरे जा रहे। पाँ भारी हो रहे हैं, स्वेलिंग हो रही है। देख के क्या मैं देख, पेट दिखा, जूम कर गए, और कर। अरे यार, अरे बन नेक्स्ट जूम है इसमें। ले मेरे में दिखा, मेरे में दिखा, फोकस है मेरे में दिखा। ये देख यार, चप्पल ये देखो गाइस, मेरा जूम कम पड़ गया था तो मैं इसके जूम से दिखा। ए यो रहा भाई, यो रहा इसमें एक, इसमें एक। अब वापस आ जाने, चल रहा भाई। एक जने को हार मारनी थी तो आशु ने मान ली। तो भाई लोग हम निकल चुके हैं जयपुर से और हम जा रहे हैं अब सीधा घर, क्योंकि हमारा मन नहीं कर रहा था जयपुर में कुछ और देखने का। हम मेन आए थे श्याम बाबा के दर्शन करने और लाइट एंड साउंड शो देखने, तो दर्शन तो हो गए लेकिन साउंड एंड लाइट एंड साउंड शो, वो पता नहीं यार क्या है बोलते हैं लाइट एंड साउंड शो, वो देख नहीं पाए। और अब हम फिर मूड ख़राब हो गया, हम जा रहे हैं घर अब सीधा। ये कुर्ता भाई मेरी मम्मी ने डिज़ाइन किया था मेरे लिए और इसलिए मैंने ये पहन रखा है, और मैं उसे ट्राई करूँगा ज़्यादातर मैं कुर्ते पजामे पहनूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू स्विच माई स्टाइलिंग टू सम एथनिक वियर और ट्रेडिशनल वियर। So that's why, and we have a Lars out there at the back of the seat. You, as you can see, this boy is almost present in the world but lost in his own world. तो अभी भी जा रहे हैं, रास्ते में हैं, रुकेंगे निमराना, गाड़ी सीधा निमराना लगेगी, उससे पहले कहीं नहीं रुकेगी। पर इसकी सब स्वाद थी ब्लैक कॉफी विद आइस, नो शुगर। ऐसा खरखरा सा फेंक गया इन्हें, दो पाउच शुगर डाली भाई, फिर उसने इसके फ्रूट्स में दो पाउच शुगर डाली, बेबी का उड़े तेरी रही। बेबी पी नहीं रहे, तुझे डर बैठ गया, बोल ले ने के बोलू, तुझ तो बोल ले, और वो जिम में जावा बल्ला को फिर पी नहीं जा रही। डाइटिंग पे आयो। हाँ हाँ यार, चल इतनी से डाइट चल, खा ले भाई खा ले। काले क्यों लगो रहे? काले भाई। हम पहली बार ऐसे निकले हैं
हम तीनों के लिए गई, मतलब तीन तो क्या ही अकेले होंगे, पर ऐसे कोई बॉयज ट्रिप गई हो तीन जने हम। मेरा एक्सपीरियंस ना मतलब बड़ा अजीब सा रहा, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था जो जो गाने ये सुनते होंगे कि ऐसे गाने भी ये सुनते होंगे। मतलब क्यों मारेंगे जीना है, मतलब जो गाने मैं अपने लो टाइम पे सुनता हूँ जब मैं मतलब थोड़ा सा उदास होता हूँ, मतलब मैं रोज ही उदास रहता हूँ, मैं ये सोच के आया था कि पता नहीं प्लेलिस्ट कैसी चलेगी, कैसा टाइम कटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। छोटे राउंड में दिल्ली दिल्ली में तो अलग गाने चलते हैं, ऐसे लॉन्ग ट्रिप पता नहीं क्या गाने चलाएंगे। भाई इन्होंने समा बांध दिया, इतने सैड सॉन्ग बजा दिए इन्होंने, इतने सैड सॉन्ग, तुषार ने सैड सॉन्गों की ना झड़ी लगा दी, झड़ी एक के बाद एक, एक के बाद एक। जे तेन मेरी लोड़, जे तू सीख गया मेरे बिना रहना तो मैनू भी तेरी लोड़ नहीं, उन्होंने बजा दिया देवेंद्र अलावत का वो लकीर। मतलब छट के जितने सैड सॉन्ग हो सकते ना, जो मैं सदियों पहले भूल गया था कि ये सैड सॉन्ग भी एग्जिस्ट करते हैं, वो गाने बजा दिए इसने मेरे पुराने प्यार। दूर गाना और सुन, दूर ये ले, दूर हमें क्या है करिए आशु सर, रुक जा भाई, दूर गाना सुन के बात करते हैं सर्च। तो भाई लोग हम भी बस घर पहुंचने वाले हैं, ऐसा हमें लगा था, लेकिन इस बंदे ने गेम पलट दिया। ये हमें अपने घर ले गया कि मेरे को ड्रेस चेंज करनी है, वहां से कैब करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा, तो वहां से निकल जाना, वहां से मेरा घर लगभग लगभग 40 मिनट पे था, इसको मैं छोड़ता, ये एक घंटे में अपने घर होता, एक घंटे में मैं अपने घर होता। इसने जज्बात पलट दिया, गेम पलट दिया, गेम चेंजर इन द हाउस में भी, गेम चेंजर इन द हाउस है ये, भड़क के देवता है ये। अभी जा रहे हैं जहां से आए थे वापस वहीं जा रहे हैं। इसने कितने किलोमीटर का, 50 किलोमीटर का इनने वो करवा दिया हमारा अप डाउन, 25 जाना 25 आना। अभी वापस वहीं पर मामा के घर जा रहे हैं, इसके घर से रास्ते में से वहाँ मोड़ दिया, यहाँ से वही रास्ते पे दोबारा जा रहे हैं जहाँ से लेफ्ट लिया था, वहाँ से फिर वहाँ जाएंगे, उसके बाद गाड़ी इसके घर की तरफ मोड़नी है, इसको फेंक के आऊंगा। अरे कहना क्या चाहते हो, देख खुशी देख कैसी, उसको भी पावला बनाऊंगा। कल एग्जाम है उसका, कल उसका एग्जाम है, बहुत इम्पोर्टेंट, एक ही पेपर है उसका, मतलब पूरे सेमेस्टर का एक ही पेपर है उसका, ये री आ गई थी इसकी, उसका इसका भाई री एग्जाम एग्जाम है। ऑल द बेस्ट भाई, तेरा पेपर अच्छा हो। तो अभी जा रहे हैं, बस पता नहीं कब पहुँचे, क्या पिनक दे दी इसने। तो भाई लोग आप लोगों से एक होटल का नाम शेयर करना, रास्ते में हम आए थे रिवाड़ी में, होटल है अर्बन किंग होटल, मैं अभी बैक कैमरा घुमा के आपको दिखाता हूँ। ये होटल का नाम है अर्बन किंग होटल, ये रिवाड़ी में है। हमने इससे चीज़ें ऑर्डर की थी जो इसमें दिखा आपको, हनी चिली पोटैटो, फ्राइड राइस, राज कचौड़ी और वाटर बॉटल, ले लोग आजकल अपने आप ही लगाने लग गए हैं कि आपने बोतल खोल दी, बोतल ले ली पानी की तो चार्ज लग जाएगा आपका, ठीक है। अभी इसमें 587 है GST, इसमें मेरा 2.5% करके 5% है जो नॉर्मल रेस्टोरेंट पे चलता है। अब इसके अलावा हमने इसी मेन्यू में से दो चीज़ें और ऑर्डर की थी, लेमन आइस टी दो की थी और एक किया था हमने, क्या था, चॉकलेट हेजलनट कोल्ड कॉफी थी, तो वो ज्ञानीज की थी, लेकिन वो इसी अर्बन किंग रेस्टोरेंट के अंदर ही क्या नाम उनका स्टॉल है, तो टेक्निकली होना क्या चाहिए था, जो उनका एक ही बिल आना चाहिए था हम सारे, हमें सारी चीज़ों का, लेकिन उन्होंने क्या किया, हमें ये तीन बिल दिए हैं, चॉकलेट कोल्ड कॉफ़ी का अलग है, खाने का अलग है और आइस टी का अलग है, और रेस्टोरेंट का जो है 2.5% 5% 1% 5% 1% और एक ये 18%। तो अब देख लो कितना GST इन्होंने, तीन बिल दिए हमें। हमारा ग्रैंड टोटल हुआ था 1159 रुपए का हमारा ग्रैंड टोटल हुआ था, उस पे हमें टोटल हमें 5% देना था 1100 पे, तीन बिल हुए हैं 1159 रुपए हैं और ये हमने देख लो 18 5 5 5 5 10 और 18 28% GST हमने दिया है टोटल तीन बिल पे, और जो हमें सिर्फ 5% देना था। तो भाई लोग ये बस नाम याद कर लो, अर्बन किंग होटल रिवाड़ी रोड, ये लो दोबारा देख लो। अच्छा हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन वो भाई बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा था जो उनका मैनेजर था कि हम तीन बिल ही देने पड़ेंगे हमें, क्योंकि एक रेस्टोरेंट का दूसरे की फ्रेंचाइजी का बिल नहीं दे सकता, लेकिन वो उसको अपने अंडर रख सकता है,
उससे रेंट ले सकता है, उसको पैसे दे सकता है, उसके जीएसटी से पैसे ले सकता है, वो सारी चीजें कर सकता है, लेकिन एक बिल में डाल के नहीं दे सकता। तो अगर आप लोगों में से किसी को पता हो कि भाई अगर ये तीन बिल दे सकते हैं तो मेरे को बता दो कि मैं गलत हूँ, और अगर मैं सही ही हूँ तो भाई इस होटल को अवॉइड करना कि अगर वो दे सकते हैं तीन बिल, अगर नहीं दे सकते तो मैं इनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में केस करूँगा। वैसे मेरे पास पैसे नहीं है, इनको भी लेकर डूबूंगा। ठीक है, गलत आदमी से पंगा ले लिया इन्होंने, एक गरीब से पंगा लिया इन्होंने, गरीब के पेट पे लात मारी इन्होंने। देखते हैं भाई अभी क्या सीन बनेगा इसका। तो अर्बन किंग होटल नाम है, इस पे जाना बिल्कुल ही अवॉइड करना। ये मतलब पैसे बनाने के अलग अलग तरीके निकाल रखे हैं उन्होंने, तीन चीज़ें आप ऑर्डर करो तो अलग अलग से। हम मन्नत पे जाते हैं जब भी, सुखदेव या मन्नत अपना मूर्थल में, मूर्थ उसमें भी है यार, मन्नत में भी है, बरिस्ता का भी है, ज्ञानीज का भी है, लेकिन वो बिल एक ही बिल आता है, वो अलग अलग बिल नहीं आते हैं। यहाँ तीन अलग बिल दिए हैं, दिक्कत ये है कि तीन अलग बिल हैं और तीनों पे जीएसटी है अलग अलग। ज्ञानी का 18% है, बाकी 5-5% है। तो मत करो यार ऐसे, अब देखते हैं क्या कर सकते हैं इसका। लेकिन अगर मैं ठीक हुआ तो मैं इस पर कंज्यूमर कोर्ट में केस करूंगा, अगर मैं गलत हुआ तो मेरी नॉलेज बढ़ेगी, मैं आगे से फिर यही करेंगे। क्या कर सकते हैं, तीन बिल है तो तीन बिल देंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अभी जा रहे हैं, बस ये अपने आप को उतारेगा, फिर देखते हैं क्या करना है, कैसे जाएंगे घर। मैं सोच रहा था तुषार को एक बढ़िया सी आलू पैटी और बेस्ट कॉफ़ी पिलाऊंगा, बट इन्होंने हरकतें कर दी तो इनको सारे पैसे देने पड़ गए हमें। तो अभी शायद तुषार को नहीं पिला पाऊंगा, क्रेडिट कार्ड में बचा अमाउंट पिला दूंगा मैं इसको। तुषार बहुत बढ़िया कॉफ़ी पिलाऊंगा भाई, आलू पैटी जबरदस्त, जबरदस्त आलू पैटी, पनीर का पनीर की, और जबरदस्त कॉफ़ी, जबरदस्त। अभी मैं पहुंचा हूँ घर पे, सारे काम करके तुषार को छोड़ के, फिर बहन को लेने गया था, वहीं से निकलते साथ साथ ही बहन को लेके आया, और अभी बस फ्रेश वगैरह होकर नहा के ना खाना वाना खा के अभी सोने लगा हूँ। अभी बज रहा है रात के 10, तो बहुत थकान हो गई आज, पूरे दिन ट्रैवलिंग में निकल गए इधर से उधर ही। बस ये अच्छी चीज़ थी कि आज कोई ट्रैफिक जाम नहीं मिला, उसके अलावा बाकी सब सॉर्टेड था। तो भाई इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में। अगला ब्लॉग होगा कल का, 1 मार्च का, और कल एक कुछ स्पेशल चीज़ है, मतलब स्पेशल तो क्या, मैं शूट पे जा रहा हूँ कल, ये नहीं बताऊँगा कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ ये भी बता देता हूँ, गुड़गांव जा रहा हूँ। किसका शूट है, क्या शूट है, ये भी डिस्क्लोज नहीं कर रहा मैं, आप लोगों को वहीं दिखाऊँगा। तो ये आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा, एक है चीज़ सिक्रेटिव रखता हूँ। तो इसी बात पे ब्लॉग को यहीं विराम देते हैं, और बाय, गुड नाइट।